बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ वो है चिकन कॉर्न सूप। इसके लिए मैंने आधा किलो हड्डी वाला चिकन लिया है, 3 अदद अंडे, हसबे ज़रूरत नमक, काली मिर्च, वैसे हाफ हाफ टेबल स्पून दोनों चीज़ें ली हैं, हाफ कप सिर सोया सॉस, चौथाई कप सिरका, 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर के, और 1 जग मैंने पानी का लिया है, 1 अदद सिट्टा है ये। एक पॉट ले लें, उसमें मैंने ये चिकन डाल दिया, और अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 जग पानी का। 1 जग पानी के अलावा मैं 1 ग्लास पानी मज़ीद इसमें शामिल कर रही हूँ, क्योंकि जब यखनी तैयार होगी तो फिर 1 जग पानी रह जाएगा बाकी। ये हाफ टेबल स्पून नमक है, हसबे ज़रूरत आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसे, और अब इसे यखनी को पकने के लिए रख दें आधे घंटे के लिए। जब तक यखनी तैयार हो रही है तब तक मैं ये जो कॉर्न्स हैं इनको रेडी कर लेती हूँ। ये एक मैंने सिट्टा लिया है जो कि ना तो बहुत बड़ा है और ना बहुत छोटा है, दरमियाने साइज़ का है, और ये कोयले वाला सिट्टा है, ये पका हुआ सिट्टा है, ये कच्चा नहीं है। तो अब मैं इस सिट्टे के जो दाने हैं ये अलग कर लूँगी। इसके सिट्टे के जो दाने हैं वो आप इस तरह हाथ से भी अलग कर सकते हैं, एक एक करके दाना निकालते जाएं इसमें से, लेकिन ये बड़ा लंबा प्रोसेस है और ज़रा मेहनत तलब है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो मैं ये दूसरा तरीका हमेशा इस्तेमाल करती हूँ कि छुरी से ये तमाम दाने जो हैं सिट्टे के उतार लेती हूँ। अगर आप चाहें तो आप टिन वाले कॉर्न्स भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर कच्चा सिट्टा लेकर उसको उबालना चाहें और वो सिट्टे के दाने इस्तेमाल करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा कोयले वाला जो सिट्टा है वो प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ये पका हुआ होता है, रेडी टू यूज़ होता है, और कॉस्ट भी इसकी बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू टिन। इस तरह से ये सारे सिट्टे के जो दाने हैं ये अलग कर लें, और इन दानों को अब हल्का हल्का सा कूट लें, बिल्कुल इनका पेस्ट नहीं बनाना, पीसना नहीं है, बस दरदरा सा कूटना है इन्हें। ये देखें किस तरह का मैंने ये इन्हें कूटा है और किस तरह के ये तैयार हुए हैं। अगर कुछ दाने साबत भी रह जाएं तो कोई बात नहीं, सूप में वो अच्छे ही लगते हैं हमेशा। यखनी तैयार हो गई है और अब मैं ये चिकन इसमें से निकाल लूँगी और इस चिकन के मैं रेशे कर लूँगी। चिकन के मैंने रेशे कर लिए हैं, अब मैं इस यखनी में ये सिट्टा शामिल कर रही हूँ, मकई, और साथ ही मैं शामिल करूँगी इसमें चिकन। चिकन शामिल कर दें और साथ ही इसमें जाएगा जाएगी अब काली मिर्च का पाउडर, हाफ टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर लेना है आपने, और आप हसबे ज़रूरत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको उबाल आने दें इस मिक्सचर को, जैसे ही उबाल आएगा तो हम इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे, लेकिन इससे पहले मैंने इसमें डाला है 1/4 कप सफ़ेद सिरके का। जब तक हमारी यखनी को उबाल आता है हम कॉर्नफ्लोर पानी में घोल लेते हैं। आधा कप मैंने पानी लिया है इस बाउल में, और अब मैं 4 टेबल स्पून, 4 से 5 अदद टेबल स्पून्स जो हैं कॉर्नफ्लोर के मैं इसमें शामिल करूंगी और इसका मिक्सचर तैयार कर लूंगी। याद रहे कि जब आप कॉर्नफ्लोर को मिक्स करें तो इसमें गुठलियाँ ना बने, क्योंकि गुठलियाँ जो हैं फिर वो आपका सूप ख़राब कर देंगी। आपका मिक्सचर बहुत स्मूथ होना चाहिए। ये तैयार हो गया कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर, अब मैं इसे शामिल करूंगी सूप में। ये देखें इस मिक्सचर को उबाल आ गया और अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ कॉर्नफ्लोर। थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लोर आपने शामिल करना है, एकदम से सारा नहीं डालना।
कॉर्नफ्लोर थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाएं और साथ साथ चम्मच चलाते जाएं। चम्मच चलाना आपने नहीं छोड़ना वरना गुठलियां बन जाएंगी। सूप आपका ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। ये देखिए कंसिस्टेंसी इसकी। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 3 अदद अंडे। 3 अंडे लिए हैं मैंने, इन्हें फेंट लूँगी। फेंटने के बाद मैं इसे शामिल कर दूंगी सूप में। थोड़ा थोड़ा करके शामिल करें, थोड़ा सा चम्मच चलाएं, ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना आपने वरना अंडा टूट जाएगा बहुत ज़्यादा और दूधिया सा सूप आपका तैयार होगा। तो ज़्यादा तेज़ी से ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना। 2 से 3 मिनट इसे पकने दें और फिर आप इसमें चम्मच चलाएं बाद में दोबारा। और ये सूप रेडी है, ये देखिए, ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है। मुझे जो है सूप में अंडे के थोड़े बड़े बड़े पीसीज अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अंडा जब शामिल करें तो ज़्यादा चम्मच को चलाएं मत, क्योंकि ज़्यादा चलाने से अंडा बिल्कुल दूधिया फॉर्म में आ जाता है सूप, और उसके फिर शक्ल उस अच्छी नहीं लगती। अब ये सूप तैयार है और इसमें मैंने 1/2 कप डाला है सोया सॉस का। अब मैं इसे बाउल में निकाल लेती हूँ। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें और एक बार फिर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।